नमस्कार व्यूअर्स, वेरी गुड इवनिंग। पावर ऑफ मार्केट्स के पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट में भी एक सेबी का डेटा निकल के आया था और ये बात लगातार बार बार के निकल के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में लगातार जो है लॉसेज बुक कर रहे हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर्स की भी एक रिपोर्ट निकल के आई थी और उनका भी ऐसा कहना है कि अगर आप डेटा का एनालिसिस करेंगे तो मार्केट के अंदर अभी भी 90% ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स खासकर ऐसे हैं जो मार्केट में लॉसेस बुक कर रहे हैं। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात सेबी की रिपोर्ट में ये निकल के आई है कि एफएंडओ में ट्रेडर्स जो है वो लगातार लॉसेस बुक कर रहे हैं। उसके पीछे का प्रमुख कारण ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझे बिना हुए, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो मार्केट में पिछले 5-10 साल से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके अलग अलग चैनल्स पे जो प्रॉफिट के प्रिंटआउट्स आ रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, या उनके कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट को देख के जिस तरीके से लालच में आके अपनी गाढ़ी कमाई खो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल पे एक ऑप्शन की बहुत बेसिक सीरीज टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है। दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट्स के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें करीब करीब 17 से 18 वीडियोज हम अभी तक बना चुके हैं। हमने स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से की थी कि कैसे ऑप्शन के माध्यम से आप रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं, ऑप्शन के क्या रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑप्शन की बाइंग की कौन कौन सी प्रारंभिक स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शन की सेलिंग की कौन कौन सी जो है प्रारंभिक स्ट्रेटजीज हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल जैसी एडवांस स्ट्रेटजीज की तरफ अपने चैनल में बढ़े हैं। अब ऑप्शन में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है सारा खेल उसी का है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, आप उनसे अगर बात करेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर देखने लगेंगे और उनको उसकी बेसिक समझ नहीं है कि ऑप्शन के अंदर ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है इसके आधार पे ही ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज हमें ऐसा लगा कि अब ऑप्शन ग्रीक्स के लिए आप जो है बेसिकली तैयार हो गए। दोस्तों, अभी तक अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल पे ऑप्शन के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी एडवांस रहेगा। जो लोग लगातार हमारे चैनल पे बने हुए हैं दोस्तों, अथाह प्यार दे रहे हैं, जरूर अभी हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बेस कम है पर जिस तरीके से लगातार रियल ट्रेडर्स क्वेरीज पूछ रहे हैं और हर एक ट्रेडर्स की क्वेरी का जो है हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और ऑन स्पॉट हम जो है उनका जवाब दे रहे हैं, जैसे हमारे पास कमेंट आते हैं तत्काल हम उनकी क्वेरीज का जो है निराकरण कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आज जो हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सुना जरूर होगा पर उनको आज भी इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की, तो उनको हो सकता है कि इसके बेसिक्स नहीं पता हो। तो अब दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स ऐसा है कि हम चाहते तो एक ही वीडियो में आपको डेल्टा की बात करें, चाहे हम थीटा की बात करें, चाहे गामा की बात करें, चाहे वेगा की बात करें और चाहे रो की बात करें, ये पांचों जो है ये ऑप्शन के ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हैं जो कि ऑप्शन की प्रीमियम जो डिसाइड होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसको डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ऑप्शन प्रीमियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑप्शन बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है और ऑप्शन सेलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब ये जब तक आपको इन चीजों की बेसिक समझ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी बहुत टेक्नोलॉजी में और इनके फॉर्मूले कैलकुलेशन में निकल जाए, क्योंकि इनके अगर और अंदर आप जाएंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर आपको इनकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब आज जो ये वीडियो है ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज जो हम ग्रीक उठाने वाले हैं वो ग्रीक दोस्तों डेल्टा है। तो आज की वीडियो में हम डेल्टा की चर्चा करेंगे कि बेसिकली डेल्टा है क्या और किस तरीके से डेल्टा जो है ऑप्शन प्रीमियम को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि बेसिकली
मार्केट के अंदर ये जो ऑप्शन है और फ्यूचर है ये कैसे ड्राइव हुए हैं। तो एक दो मिनट के अंदर मैं कुछ आपको बहुत बेसिक फाउंडेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है पर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको मार्केट के अंदर सीरियस पार्टिसिपेंट बनना होगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पूरे मार्केट के अंदर एसेट्स जो हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बेस एसेट होता है, बेस एसेट, इसी को कई लोग अंडरलाइन एसेट भी कहते हैं, अंडरलाइन एसेट। मैं बहुत सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये जो बेस एसेट होता है अंडरलाइन एसेट, इसका मतलब होता है कि ऐसा एसेट जो कि वैल्यू क्रिएशन करता है। अब इसके अंतर्गत आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक है वो इसके अंतर्गत आता है, कोई इंडेक्स है निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो इसके अंतर्गत आता है, कोई कमोडिटी हो गोल्ड है सिल्वर है ये इसके अंतर्गत आता है बेस एसेट के अंतर्गत, या कोई आप करेंसी को ले लीजिए, करेंसी भी जो है वो बेस एसेट के अंतर्गत आती है। बेस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो वैल्यू क्रिएशन में हेल्प करते हैं, जिनकी अपनी एक वैल्यू होती है, चाहे कोई स्टॉक है कंपनी बिजनेस करती है उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, इसलिए भी एक बेस एसेट है। इंडेक्स हम जानते हैं कि जिस तरीके से सारी कंपनीज मिलकर एक इंडेक्स बनाती है निफ्टी बैंक निफ्टी, ये भी लगातार आगे बढ़ते हैं वैल्यू क्रिएशन करते हैं। कमोडिटी गोल्ड सिल्वर क्रूड वगैरह हम जानते हैं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बेस एसेट है। करेंसी चाहे यूएस डॉलर की बात करें रुपीज की बात करें इंपॉर्टेंट करेंसी। अब बात क्या होती है कि ये बेस एसेट तो अवेलेबल है पर जो दूसरे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं वो कहलाते हैं आपके ड्राइव्ड एसेट, ड्राइव्ड एसेट, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। दोस्तों ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली बेस एसेट ये हो गए ड्राइव एसेट। अब आपको केवल इतना समझना है कि ड्राइव अपने आप में बता रहा है कि ऐसे एसेट जो कि बेस एसेट से ड्राइव होते हैं, जो एसेट बेस एसेट से ड्राइव होते हैं वो ड्राइव एसेट या डेरिवेटिव कहलाते हैं और इनके अंतर्गत डायरेक्ट आप सुनते हैं फ्यूचर, आप सुनते हैं ऑप्शन। इसी के अंतर्गत दोस्तों वारंट्स भी एक आता है, वारंट्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है, जो लॉन्ग टर्म के बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपायरी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वारंट्स कहने लगते हैं। और बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो इन दोनों से परिचित हैं, तो आपको अब ये पता चल गया कि इनकी जो वैल्यू है वो बेस एसेट से डिसाइड होना है। अगर कोई स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन है तो उसकी वैल्यू स्टॉक से डिसाइड होगी, कोई इंडेक्स का फ्यूचर इंडेक्स का ऑप्शन है तो उसकी वैल्यू इंडेक्स से डिसाइड होगी, और कोई कमोडिटी का फ्यूचर है गोल्ड का है क्रूड का है तो उनके ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट इससे डिसाइड होंगे, और ऐसी करेंसी में भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इधर आते हैं। तो अब आपको बहुत बेसिक बात पता चल गई कि बेसिकली जो बेस एसेट है उससे ड्राइव होता है आपका फ्यूचर और ऑप्शन, इसलिए इसकी जो वैल्यू है स्वाभाविक है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो डेरिवेटिव्स में जो फ्यूचर और ऑप्शन है उनकी वैल्यू कैश मार्केट से या स्पॉट मार्केट से निकाली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था डेटा को समझने के लिए, आशा करता हूं कि आपको बेस एसेट और ड्राइव एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम डेटा पे चलते हैं, क्योंकि आप कई बार मार्केट के अंदर देखते हैं कि भाई मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि निफ्टी जो है इसका स्पॉट प्राइस मान लीजिए 17,000 है, ठीक है। अब निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या 17,000, इसका मतलब है कि ये बेस एसेट की हम बात कर रहे हैं, आपको ऐसे ही समझना है। अब मान लीजिए हम 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन देखें, ठीक है, तो 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा एटीएम, मतलब एट द मनी, इन द मनी की अगर बात करें या आउट द मनी की बात करें, इन द मनी मतलब जिसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू है, मतलब 17,000 के पहले के जितने भी जो स्ट्राइक होंगे 16,900 हो 16,800 हो इसके अंदर जाते जाएंगे आप, ये सारे इन द मनी हो जाएंगे, और आउट द मनी मतलब 17,100 एंड सो ऑन, ऐसे इसमें बढ़ता चला जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि भाई अगर स्पॉट प्राइस 17,000 है, मतलब कॉल के केस में, ये कॉल के केस में है, तो 17,000 स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कहलाएगा, और 17,000 के ऊपर चूंकि कॉल मतलब हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो 17,100 आउट द मनी हो गया और ये क्या हो गया आपके इन द मनी हो गए। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इसी से आपको डेल्टा की परिभाषा जो है समझ में आने वाली है, कि मान लीजिए निफ्टी 17,000 है
और आपने 17100 का कॉल बाय कर लिया है, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस 100 पॉइंट का है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी 17000 से बढ़ के 17100 आ गया, पर अगर आप इसका 17000 का आपका ऑप्शन प्रीमियम मान लीजिए, ऑप्शन प्रीमियम इसका 100 रुपए है, तो 17100 पे आने पे क्या ये 100 जो है बढ़ के 200 हो जाएगा? ये आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि भाई जब 17000 से 17100 आ गया है, 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया है स्पॉट में, तो क्या ऑप्शन का प्रीमियम जो 100 रुपए था वो 200 रुपए हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू है वो टोटल डिपेंड करती है पूरे ग्रीक्स के ऊपर, और अगर सारे ग्रीक्स को, रिमेनिंग ग्रीक्स को, डेल्टा को छोड़कर बाकी ग्रीक्स को अगर हम कांस्टेंट मान लें, कि हम ये मान लें कि वॉलेटिलिटी भी कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा कैसे इसमें रोल प्ले करता है उसकी हम चर्चा आप करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अगर जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है उसका जो डेल्टा होता है, जो एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। डेल्टा की जो वैल्यू है वो कॉल के केस में आपको ध्यान रखना है कि 0 to +1 के बीच में वेरी करती है, कॉल के केस में 0 to +1 के बीच में, और पुट के केस में 0 to -1 के हिसाब से ये वैल्यू डेल्टा की वेरी करती है। ये स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होती है, कई जगह इसको 100% कहते हैं। तो अब आपको समझ में बात आ गई कि भाई जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब ये जो एट द मनी के जो कॉल ऑप्शन होते हैं इसमें डेल्टा की वैल्यू जो है 0.5 होती है। तो अब ये जो 0.5 है, चूंकि यहां से 100 पॉइंट बढ़ा है, 17000 से 17100 हुआ है, तो आपका जो 100 रुपए है इसका मतलब है कि इसकी जो प्रीमियम है वो 0.5 के हिसाब से मतलब 50 पॉइंट बढ़ेगी। तो 17100 पे जो आपने 100 रुपए प्रीमियम का जो आपने ऑप्शन खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि स्पॉट में निफ्टी की जो वैल्यू बढ़ती है उससे ऑप्शन की प्रीमियम की कितनी वैल्यू बढ़ेगी, ये चीज हमें डेल्टा बताता है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, डेल्टा से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा बेस एसेट है या जो अंडरलाइंग एसेट है, चाहे स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे गोल्ड हो, उसकी वैल्यू में जो चेंज आता है उससे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज होगा, यह हमें डेल्टा से पता चलता है। और डेल्टा की जो वैल्यू है कॉल ऑप्शन के केस में वो 0 to +1 होती है, और पुट के केस में 0 to -1 होती है। ये आपको रेडीमेड जो है, चाहे आप एनएससी की वेबसाइट्स पे जाइए, अलग अलग, चाहे ऑप्स्ट्रा की बात करें, सेंसिबल, या किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म पे जाओगे आप, ये वैल्यूज आपको नहीं निकालना, ये ऑटोमेटिकली आपको ड्राइव मिलेगी। आपको एक अंदाज लगाना है इससे, क्योंकि और भी ग्रीक्स होते हैं, इससे आपको एक मोटा मोटा, जब आप एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि मान लीजिए आपने एनालिसिस किया कि भाई निफ्टी अभी 17000 है और आपको लग रहा है कि कल मार्केट जो है 17100 तक जा सकता है, वहां पे रेजिस्टेंस बनेगा, तो आपके पास में 100 पॉइंट का मार्जिन आ गया। अब आप समझ गए कि आपको एट द मनी पे उतरना है, तो आपने देखा कि भाई इसका डेल्टा कितना है, 0.5 है, तो अगर ये 100 रुपए बढ़ता है तो आपका जो प्रीमियम है वो 50 रुपए ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 17100 आपका एनालिसिस सही भी हो गया तो भी आपको कल 50 रुपए मिलने वाले हैं। वो 50 रुपए का मतलब होता है कि निफ्टी में 50 रुपए मतलब निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है, तो ये हो गया 2500 रुपए आपको एक वॉट में मिलेंगे। ये बात है, तो इससे आपको काफी समझने में मदद मिलती है कि मतलब कैसे इसकी वैल्यू ड्राइव होती है। अब और कुछ जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको इसको इजीली दिमाग में लेके चलना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही जो हम ड्राइव करने वाले, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो ये है दोस्तों कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऑप्शन बायर को इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में से किस स्ट्राइक प्राइस पे जनरली काम करना चाहिए और सेलर को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये फाइनल कंक्लूजन अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप डेल्टा का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ग्रीक, उससे डेल्टा क्या है, ऑप्शन बायर का जो है उसका दोस्त होता है, ऑप्शन बायर का दोस्त है डेल्टा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बायर को कोशिश ये करना चाहिए कि वो जिस भी स्ट्राइक प्राइस में उतर रहा है अगर उसका डेल्टा हाई है तो उसको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाती है। हाई डेल्टा में जैसे ही मार्केट में मूवमेंट उसके डायरेक्शन में होता है इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है।
अब इसको हमने कैसे समझेंगे, तो इसको मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये एटीएम है, ये आपके आईटीएम है और ये ओटीएम है। जो लोग ऑप्शन चेन समझते हैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप जब एनएसई की साइट पर जाकर ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आपको देखेंगे कि एट द मनी बीच में होते हैं, कॉल इस तरफ रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और पुट उस तरफ रहते हैं, तो ये सेंटर में एट द मनी रहता है। तो जैसे हम निफ्टी के स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं 17,000, तो ये हमारा एटीएम हो गया और ये इन द मनी है। इन द मनी मतलब 16,900 और ये 17,100 और इधर आ जाएगा फिर 17,200 और इधर आ जाएगा 16,800। अब देखिए ये हम कॉल की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे एग्जाम्पल हम आपको कॉल और कॉल के केस में डेल्टा की वैल्यू 0, 2, +1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो एट द मनी है इसका डेल्टा कितना होता है 0.5। अब चूंकि रेंज 0 to 1 है, सेंटर में जो एट द मनी इसका डेल्टा हमेशा नियरेस्ट बाय 0.5 रहता है, तो अब जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ बढ़ोगे 16,900, 16,800, 16,700, 16,000, जैसे जैसे आप डीप इन द मनी की तरफ जाओगे इसकी वैल्यू लगातार जो है बढ़ेगी, 0.6 होगी, 0.65 होगी, 0.75 होगी और ये नियरेस्ट बाई बन जाएगी। एकदम वन नहीं होती पर नियरेस्ट बाई वन, जैसे जैसे आप डीप इन द मनी की तरफ जाओगे तो इसकी वैल्यू नियरेस्ट बाई प्लस बन जाएगी और जैसे जैसे आप आउट द मनी की तरफ जाओगे तो ये 0.45 होगी, 0.4 होगी, 0.3 होगी और ये 0 की तरफ जाएगी जैसे जैसे आउट द मनी जाएगी। अब हमारा जो फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे वीडियो की, जो सबसे ब्रह्मास्त्र चीज है, वो ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले लिखा कि ऑप्शन बायर का दोस्त है डेल्टा। इसका मतलब है कि अगर आपने मार्केट को एनालाइज कर लिया है और आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी जो है थीटा डीके होता है, टाइम वैल्यू के कारण आपकी प्रीमियम घटती है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें या तो आप एट द मनी पे रहे, जो आपकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है वो एट द मनी होना चाहिए। और बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें गलती करते हैं, वो डीप आउट द मनी पे जाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि या तो आप एट द मनी रहे, अगर मार्केट का निफ्टी का स्पॉट प्राइस 17,000 है और आपको बाइंग लग रही है, आपने एनालाइज किया है, तो आपको 17,000 के अगर कॉल पे जाते हैं सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपको थोड़ा मार्केट में अनुभव हो गया है तो आप 16,900, 16,800 या 16,700 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डीप आप जाएंगे तो उसमें आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू तेजी से फ्लक्चुएट होगी जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा। तो आपको एट द मनी के 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 1 स्ट्राइक प्राइस मैक्सिमम नीचे, इनके बीच में जाना है। और ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन बायर को समझना जरूरी है कि स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है वो डेल्टा के ऊपर हेवली डिपेंड करता है। तो अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपकी प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये इस पूरे वीडियो की क्रक्स है, तो ये आपको समझना है। दूसरी बात यह है कि ऑप्शन बायर की तो हमने बात बता दी कि ऑप्शन बायर को क्या करना है, ऑप्शन सेलर के केस में क्या होगा। भाई ऑप्शन सेलिंग का तो इस तरीके से इस समय ग्लैमर बढ़ा हुआ है कि हर एक आदमी जो है ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहा है और तरह तरह के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब कराने के लिए या आप इसके अंदर आके, मैं इस तरीके की कोई प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ में कोई स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखाने वाला हूं। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट, मैं सही एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जो लाखों हजारों रुपए आप दे रहे हैं उसकी जगह आप फ्री में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और कई बार ये कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूं इसलिए मैंने केवल एक लिख लिया हुआ है। अब दोस्तों ऑप्शन बायर की हमने बात कर ली, ऑप्शन बायर के केस में डेल्टा इसका फ्रेंड होता है, अर्थात ऑप्शन बायर को डेल्टा के हिसाब से चलना है और डेल्टा में पता चल गया कि जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस उस पे आधा रहता है, 0.5 रहता है, उसके ऊपर डीप इन द मनी में बढ़ते हैं तो आपको एट द मनी पे बाय करना है अगर आपको जाना है, या 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी। ऑप्शन सेलर का जो दोस्त है वो दोस्तों थीटा डीके होता है। थीटा, ये वर्ड तो आपने थीटा डीके 50 बार कई बार आपने सुना होगा, लोग बोलते डीके हो गया उसका प्रीमियम, डीके हो गया, पता भी नहीं रहता बहुत लोगों को, पर वो एक फैशनेबल वर्ड बना हुआ है कि डीके हो गया, हम डीके खाएंगे और प्रीमियम खाएंगे, पर उसका कॉन्सेप्ट ये है। तो ऑप्शन सेलर का जो दोस्त है वो थीटा डीके, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। थीटा डीके ये कहता है कि हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझा था पहले, कि जो मनी की, पैसे की जो वैल्यू है, आपकी जो परचेसिंग पावर है, आप किराने की दुकान में जाते हैं जो चीज आज आपको 10 रुपए में मिल रही है, भविष्य में आप देखेंगे कि 10 रुपए की वैल्यू घट जाएगी, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया है। तो ऑप्शन सेलर ये कहता है कि भाई मेरा जो दोस्त है वो थीटा डीके है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये थीटा की वैल्यू के हिसाब से खेलता है। तो
अब इसमें क्या होता है कि जब आप ऑप्शन सेलर स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करता है तो उसके लिए ये शत्रु है ये दोस्त है, तो उसको क्या करना है, इसकी वैल्यू कम रखना है, इसकी वैल्यू बढ़ाना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करें, कई लोग गलती कर देते हैं कि आप एट द मनी है यहां पे डीप इन द मनी को सेलिंग करते हैं। दोस्तों ये बहुत कई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स करते हैं, पर अगर अगर मार्केट में आपको 5-10 साल का ट्रेडिंग का लगातार ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए ज्यादातर अगर आपको ऑप्शन में सेलिंग करना है तो सेफेस्ट ये रहता है कि आप आउट द मनी पे जाएं। जब आप आउट द मनी पे जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू लगातार नीचे की तरह आप देख रहे हैं घट रही है, मतलब 17,000 अगर स्पॉट प्राइस है जैसे वर्तमान की सिचुएशन है तो आप 17,500, 17,700, 17,800 या 18,000 के अगर ऑप्शन सेल करेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा और ये जो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.2 है, ठीक है, अब निफ्टी अगर 100 रुपए बढ़ गया तो आपके प्रीमियम में केवल 20 रुपए का डिफरेंस आएगा, 100 रुपए आपके अगेंस्ट में चला गया, तो 20 रुपए में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लॉट में केवल 1,000 का नुकसान होगा। पर अगर आप इधर जाना शुरू हो गए और आपने इनको अगर सेल किया तो जहां 2,000 का नुकसान हो रहा था वहां पे आपको जो है लॉस बढ़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस पूरे डेल्टा का जो क्रक्स है, जो मैं आपको फाइनली समराइज कर रहा हूं, जो इस पूरे वीडियो की क्रक्स है दोस्तों, केवल आज डेल्टा समझा रहा हूं, कल के वीडियो में आपको थीटा समझाऊंगा, गामा, वेगा, रो, ये पांचों ग्रीक्स आपको समझाने वाला हूं। अगर डेल्टा को से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। इसको समराइज करता हूं दोस्तों, डेल्टा का मतलब ये है कि जो आपका बेस एसेट है, कोई स्टॉक है, इंडेक्स है, उसके जो फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वैल्यू में चेंज आने से उनकी वैल्यू में बदलाव आता है, अर्थात जो बेस एसेट जितना बढ़ता है उसके विथ रिस्पेक्ट में ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा घटेगा ये डिपेंड करता है डेल्टा की वैल्यू के ऊपर। और कॉल ऑप्शन के केस में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 to +1 होती है, पुट ऑप्शन के केस में उसकी वैल्यू 0 to -1 होती है। ऑप्शन चेंज में कॉल ऑप्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिए रहते हैं और पुट ऑप्शन जो है राइट हैंड साइड पे दिए रहते हैं। कॉल ऑप्शन में सेंटर में आपको एट द मनी के कॉल मिलेंगे, एट द मनी के पुट मिलेंगे। जैसे जैसे कॉल ऑप्शन में आप ऊपर जाओगे, डीप इन द मनी की तरफ बढ़ोगे आप, जहां पे डेल्टा की वैल्यू +1 की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आप आओगे तो डेल्टा की वैल्यू घटती जाएगी कॉल ऑप्शन के केस में। और पुट ऑप्शन के केस में रिवर्सल होता, पुट के केस में आपको ऊपर जो है वो आउट द मनी रहेंगे तो वहां पे वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगी, और पुट के केस में डेल्टा की वैल्यू 0 to -1 होती है। अब इसका मेन कंक्लूजन ये है, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप ऑप्शन बायर स्ट्रेटजी में जाना चाहते हैं, आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है कि डेल्टा आपका दोस्त है, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। डेल्टा की वैल्यू कम से कम 0.5 होना चाहिए या 0.4, 0.6, इतनी कम से कम वैल्यू आपको डेल्टा की मिलना चाहिए जब आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। और जैसे ही आप सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर के केस में बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बायर की ऑलरेडी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, वो 33.3 के आसपास होती है, और ऑप्शन सेलर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% के आसपास होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के केस में साइडवेज मार्केट में भी उसको बेनिफिट होता है, जबकि ऑप्शन बायर को केवल जिस दिशा में उसने एनालिसिस किया है उस दिशा में हाई मोमेंटम आता है। ऑप्शन बायिंग मतलब इज ऑल अबाउट कैचिंग द राइट मोमेंटम। और ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलर को तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि उसको थीटा डीके का खाना है, थीटा डीके, और थीटा डीके का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको डीप आउट द मनी जाना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको अगर सेफेस्ट रहना है मार्केट में तो आपको डीप आउट द मनी के जो है कॉल और पुट सेल करना है, क्योंकि उसकी डेल्टा की वैल्यू कम होती है और आपका दोस्त थीटा इसकी वैल्यू जो है आपको फेवर करती है। तो आशा करता हूं कि डेल्टा को लेके जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, कल के वीडियो में थीटा के साथ आपसे शुरुआत करूंगा। दोस्तों ऑप्शन की जो शानदार सीरीज हम चला रहे हैं उसके वीडियो को, हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिना सही अस्त्र शस्त्र हुए अगर आप युद्ध में कूद जाएंगे आपका कैपिटल साफ हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना इतना ईजी नहीं है, आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए। इनके थ्योरेटिकल नोट्स बनाइए, एक डायरी अपने पास रखिए। अगर मेरे वीडियो से 20% 25% या 30% भी आपके उसमें सुधार होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मैं सोचूंगा कि मेरा उद्देश्य जो है सफल हो गया। अगर आपको हमारे चैनल का काम, पावर ऑफ मार्केट्स का काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसका टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी हम इसमें अवेलेबल है, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इनकी सबकी लिंक्स दी हुई है, सब जगह जाके हमें फॉलो करिए।
इसके अलावा दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम कई स्पेशल जो है लगातार आपको जो है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मॉर्निंग में जैसे आपको मॉर्निंग के लेवल्स का अपडेट्स दें, मॉर्निंग में जो ग्लोबल मार्केट है उनका अपडेट्स दें, इवनिंग टाइम में जब मार्केट क्लोज हो तो मार्केट में दिन भर क्या हलचल रही, कौन कौन से ऐसे न्यूज है जो मार्केट में आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट मॉर्निंग अपडेट भी हम शुरू करने वाले हैं और मार्केट इवनिंग 3:30 के बाद में मार्केट रैप अप का अपडेट भी आपको देंगे और रात में जरूर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आशा करता हूं कि आप ये सारी चीजों को जो हम एफर्ट लगा रहे हैं इसको पसंद करेंगे और आज का जो वीडियो देखने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।